अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? होंगे मज़े में हमेशा की तरह। 19 मार्च 2023 और मैं मौजूद हूँ, सकी हसन। सामने से आने वाली रोड हैदरी से क्रॉस करती हुई आती है और इसके सामने है फारूक आज़म मस्जिद। ये जीना दिया हुआ है और यहाँ पर लगने वाला है संडे बाज़ार, जो बहुत मशहूर है। सामने आपको नज़र आ रही होगी बिल्डिंग, ये है मुमताज़ हॉस्पिटल। और इसके सामने से जो आते हैं वो नीपा से आने वाले लोग हैं जो ये रोड से आएंगे। यहाँ पर ग्रीन लाइन बस भी चलती है। और इस तरह से संडे बाज़ार जहाँ पर लगता है, यहाँ पे एक ग्राउंड था पहले, यहाँ पे ही लगता था बाज़ार, लेकिन अब इस जगह को पार्क बना दिया गया है और दूसरी जगह मख्तस कर दी है संडे बाज़ार के लिए। ये जीना है जो ऊपर से आता है और ये सामने वालों के लिए है जो रोड क्रॉस करके यहाँ बआसानी आ सकते हैं। डबल रूट यहाँ पर चल रही है, आप चाहें तो ग्रीन लाइन बस से भी आ सकते हैं। यहाँ पर मौजूद लगने वाला बाज़ार संडे को भी लगता है और ट्यूसडे फ्राइडे को भी। तो चलें चलते हैं इस बाज़ार के अंदर क्या मिलता है और बाहर का व्यू कैसा है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर लगने वाला बाज़ार चारों तरफ एतराफ से ही स्टार्ट हो जाता है। रोड के बाहर है शर्टें पैंटें जो कि यूज़ हुई भी मिलती हैं। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके नीचे बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है फास्ट फूड का, जहाँ पे पेशावरी आइसक्रीम भी मिलती है और बहुत मशहूर है। साइडों से ये लगने वाला बाज़ार चारों तरफ से कवर होता जा रहा है और फैलता जा रहा है। शाम के बज रहे हैं 5 और ये है आखिरी हफ्ता, रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इस बाज़ार में काफ़ी रश है। ज़रूरत की तमाम चीज़ें यहाँ मिलती हैं। आइए यहाँ का बाहर का व्यूज़ देखते हैं कि बाहर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ये वाली गली से स्टार्ट हो जाता है बाज़ार, सामने बिल्डिंग है और ये पूरी रोड को कवर करता है। इसी तरह से स्टॉल्स लगे हैं, बाहर चीज़ें सेल होती हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बॉयज़ की, लड़कों की शर्ट्स और पैंटें मिलती हैं जो कि यूज़ हुई भी होती हैं। इसके बाहर की तरफ सब्ज़ियाँ, काफ़ी फल वगैरह मिलते हैं। और इधर सामने पार्किंग एरिया भी है और यहाँ पर भी लुंडा बाज़ार छोटा सा बनाया हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। पहले काफ़ी बड़ा लुंडा बाज़ार लगता था, लेकिन जगह अब छोटी हो चुकी है इसकी, तो इस तरह से इन्होंने रोड को ही कवर कर लिया। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती हैं, सामने शर्ट्स पैंटें स्टॉल्स में यूज़ हुई भी चीज़ें मिलती हैं। ये बाहर का सराउंडिंग का एरिया है जहाँ पे काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं। अब इस साइड से अगर हम आगे जाएं तो ये सब्ज़ी के स्टॉल्स हैं। अंदर से टर्न होंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रोड से क्रॉस करते हुए अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी पठान भाई बैठे हुए हैं जो कि कपड़ा भी बेच रहे हैं। और चलते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। इस तरह की बेडशीट्स, कवर, प्लो और ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर सेल होती हैं। बार्गेनिंग तो बहुत ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से चीज़ें देखकर बार्गेनिंग कीजिएगा। अंदर ये थोड़ा सा लुंडा बाज़ार का एरिया है जहाँ पर यूज़ हुए हुए बच्चों के कपड़े और इस तरह के ट्राउज़र्स मिल जाते हैं। ये बेलों की स्टॉल है जहाँ से लेडीज़ कपड़ा लेती हैं और यहीं से बेलें मैचिंग की देख लेती हैं। काफ़ी यहाँ पर डाई हुए दुपट्टे और मैचिंग की चीज़ें और एसेसरीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है और लेडीज़ कपड़ा पहले ही ख़रीदती हैं, क्योंकि उनकी स्टिचिंग सिलवाना ये सारे काम पहले ही कर लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कपड़ा मार्केट में बहुत रश हो रहा था। और इस तरह की बेडशीट्स वगैरह भी घर में यूज़ होती हैं जो कि ईद पर बेड्स पर डालने के लिए ली जाती हैं। अनस्टिच कपड़ा भी यहाँ पर था और ये कुर्तियाँ डाई हुई भी थी और यूज़ हुई भी थी। दोनों तरह के आइटम यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ऊपर जो लटकी हुई हैं वो यूज़ हुए हुए लुंडा बाज़ार की कुर्तियाँ हैं और नीचे अनस्टिच कपड़ा है। इसके सामने भी रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़े मिल रहे हैं। हैदरी पे जिनकी दुकानें या स्टॉल्स होते हैं वही यहाँ पर हजरात बैठते हैं। मैंने उनसे पूछा था तो वो बता रहे थे हैदरी पे भी हमारी स्टॉल्स हैं। और इस तरह से अच्छी शॉपिंग हो जाती है, हर चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाती है।
ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। दुपट्टे, मैचिंग बेलें, सैंडल, पर्स सब यहाँ पर मिल जाते हैं। ये 1500 से 2000 से स्टार्ट होने वाले सूट थे जो बच्चियाँ पहनती हैं। जिस तरह के काम ज़्यादा थे तो वो ज़्यादा महंगे थे। घर में इस तरह दस्तरखान, टेबल के कवर और ये चीज़ें इस तरह यहाँ मिल रही थी। शाम हो चुकी है और रश बढ़ता जा रहा है और मैं आपके लिए यहाँ पर व्लॉगिंग कर रही हूँ। इस तरह से मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ आने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। छोटी छोटी एसेसरीज़ हैं जो 15-10 रुपए से स्टार्ट होके 100 रुपीज़ तक जा रही थी। बच्चों के कलर, पेंसिल बॉक्स और इस तरह की इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी घर की अशिया। ज्वेलरी के भी यहाँ पर स्टॉल थे। रेडीमेड लॉन के कपड़े, कॉटन के भी थे। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो लॉन भी बहुत है। डेकोरेशन का भी थोड़ा बहुत सामान यहाँ मौजूद था और कपड़े भी थे, कट पीस भी थे। यहाँ से लेने के लिए थोड़ी सी मोहतात होना चाहिए। यहाँ पर रिफ़ंड या एक्सचेंज नहीं होता। बर्तन भी मिल रहे थे प्लास्टिक के, जो कि रमज़ान में काफ़ी यूज़ होते हैं, बाउल्स वगैरह, और बैग्स, बेल्टें, इस तरह की नॉर्मल यूज़ होने वाली चीज़ें, मसाले, पापड़, बूंदी, अचार, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं दूसरी रो में, देखते हैं वहाँ पर क्या सामान है। यहाँ से मैं इंटर हुई थी तो यहाँ पर भी बच्चों के गारमेंट्स और दूसरी क्रॉकरी, शीशे की, और बहुत सारे मेकअप का सामान, बर्तन और इस तरह की चीज़ें थी छोटी मोटी, जो कि ज़रूरत की अशिया होती हैं और चाहिए होती हैं, तो कम रेट में अच्छी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। आप यहाँ पर आएँ तो ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ बार्गेनिंग होती है और रेट्स भी ऊपर नीचे चलते हैं। यहाँ पर रिफ़ंड कुछ नहीं होता, ना एक्सचेंज करते हैं, ये कह के तो देते हैं लेकिन वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह की तमाम चीज़ें और अशियाँ थी। मैं आपको पूरा कवर कर रही हूँ ये, और आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह इसका व्यू, रास्ता और मिलने वाला सामान कैप्चर करके और वीडियो बना के दिखा सकूँगी, ताकि आप आने के वक्त आपके माइंड में हो कि यहाँ किस तरह की चीज़ें और किस तरह से आने का रास्ता है। तो जी, ये मैंने व्लॉग आपके लिए बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस और व्लॉग्स बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से दी हुई मोटिवेशन होती है जो हमें वीडियो और बनाने के लिए एक्टिव करती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। और किस तरह के व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मार्केट से रिलेटेड या फिर और शॉपिंग्स या फिर किसी और तरह के, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। इस्तेमाल हुई हुई ये स्लीपर्स थी घर में पहनने के, जॉगर्स, जो महंगे होने की वजह से लोग न्यू नहीं लेते और ये लेते हैं। इनके भी प्राइस अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। इसी तरह की यहाँ सब्ज़ी, फ्रूट्स मिल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये व्लॉग्स लंबा होता चला जाएगा और मैं सारी चीज़ें अच्छी तरह दिखा चुकी हूँ। अब मैं भी व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ और चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो तक के लिए।